अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। यूएई खबर टू देखने और सुनने वालों को एक बार फिर से जो है वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएई में कोविड-19 के जो है न्यू रूल्स जारी कर दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आपने लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना है, ताकि आपके और भी दोस्तों को पता चल सके। तो जी हाँ दोस्तों, टाइम में इसके बगैर जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यूएई ने मुलाजमीन को करंटीना करने के लिए नए कवायद व ज़ब्त का ऐलान कर दिया है। मुतहदा अरब इमारात के गवर्नमेंट हेवन रिसोर्सी अथॉरिटी ने करोना मुस्बत आने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए या करोना मरीजों से मिलने वाले सरकारी मुलाजमीन को करंटीना करने से मुतलक नए कवायद व ज़ब्त का ऐलान कर दिया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक ऐसे करोना मुस्बत मुलाजमीन जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, इनके करंटीना के दिनों छुट्टी इनकी सालाना छुट्टी से काटी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो इस सूरत में अगर आप कोई छुट्टियां कर लेते हैं तो वो छुट्टियां आपकी जो एक साल की छुट्टियां बनती हैं उसमें से जो है वीकेंड काट लिए जाएंगे। और तनख्वाह भी अगर आपके वीकेंड नहीं है तो इस सूरत में दोस्तों आपको बग़ैर तनख्वाह के छुट्टी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, ऐसे ही आपको छुट्टी दे दी जाएगी। वज़ारत की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें बताया गया कि करोना वायरस से मुतासर होने वाले या करोना मुतासर अफराद से मिलने वाले मुलाजमीन को करंटीना से मुतलक गाइडलाइन पर अमल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जो इनके रिक्वायरमेंट है उनको आपको पूरा करना होगा। सरकार के मुताबिक जिन मुलाजमीन ने करोना वैक्सीन के दिनों खुराकें लगवा ली हैं, वो करोना से मुतासर किसी शख्स से मिल लेते हैं तो इन्हें हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से तय करदा मुद्दत तक खुद करंटीना करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ख़ुद को करंटीना करना होगा और इस दौरान वो घर से काम करेंगे। से पहले करोना वैक्सीन ना लगवाने वाले मुलाजमीन को, जी हाँ दोस्तों, जो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनको हर 7 दिन बाद, जी हाँ दोस्तों, हर 7 डेज़ बाद उनको जो है PCR टेस्ट करवाना लाजमी होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।